परछाई त्राटक साधना स्वयं की परछाई के ऊपर की जाने वाली साधना कहलाती है। इस साधना में साधक को विशेष अनुभव और विशेष शक्तियों का फायदा या जागृति का अनुभव होता है। चलिए हम सब सीखते हैं कि इसे कैसे किया जाता है। सबसे पहले साधक एक ऐसे स्थान पर बैठता है जहाँ पर वो अपनी परछाई को आसानी से देख सके। इसके बाद साधक उस पर ध्यान स्थिर करने की कोशिश करता है। कई हफ्ते वह स्थिर रहता है, पर ध्यान रखिएगा अगर आपको परछाई ना स्थिर हो पाए तो आप कोई बल्ब का उपयोग करेंगे जिससे आपकी परछाई बन सके। अब साधक धीरे धीरे ऐसी अवस्था में आता है जब साधक का मन स्थिर होने लगता है। अगर साधक का मन स्थिर होने लगेगा तो परछाई धीरे धीरे लुप्त होगी, प्रकट होगी, लुप्त होगी, प्रकट होगी। इसके साथ साथ कई बार साधक को उस परछाई पर आभा मंडल भी दिखाई दे सकता है। आभा मंडल दिखाई देने का सूचना होगी कि आपकी त्राटक साधना सिद्ध हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है। इसके बाद साधक अपने डरों पर नियंत्रण पा पाएगा। इस त्राटक करने से आपको किसी दूर जगह पर स्थिर करने में मदद मिलती है। सबसे मुख्यतः बात यह होती है कि यह त्राटक करने से आपको मन की शांति बहुत प्राप्त होती है, क्योंकि आप जब खुद पे त्राटक करते हैं तो आपके सारे विचार नष्ट हो जाते हैं और शून्यता, स्थिरता बनने लगती है। साधक यही चीज़ चाहता है कि उसकी स्थिरता बने, उसकी साधना पूर्ण हो, ताकि वो किसी भी आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने आप को सिद्ध साबित कर पाए।